सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अल्गोरिदम यानी कि हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके जनरली मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये सब तो ठीक है, बट हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, वो काम कैसे करता है? अगर सपोज मैंने तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली एंड तुम्हें एक माउंटेन के ऊपर छोड़ दिया एंड तुम्हें बोला कि ये तुम्हारा गोल स्टेट है एंड ये तुम्हारा स्टार्ट स्टेट है एंड तुम या तो आगे जा सकते हो या तो पीछे जा सकते हो, इन दो डायरेक्शंस के अलावा और तुम कहीं भी नहीं जा सकते एंड तुम्हें इस सिचुएशन में अपने गोल स्टेट तक पहुंचना है। अब अगर तुम एक हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हो तो जिस फंक्शन या जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तुम तुम्हारे गोल स्टेट तक पहुंचोगे, वो फंक्शन या वो फॉर्मूला ये होगा। जो तुम्हारा अगला स्टेप होगा वो तुम्हारे करंट स्टेप से हमेशा बेटर होना चाहिए, दैट्स इट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये तुम्हारा करंट स्टेप हो गया, राइट? तो तुम्हारा अगला स्टेप ऐसा कौन सा स्टेप होगा जो तुम्हारे करंट स्टेप से बेटर होगा? ऑब्वियसली ये होगा। अगर ये तुम्हारा अगला स्टेप है तो ऑब्वियसली ये स्टेप तुम्हारे करंट स्टेप से बेटर है क्योंकि ये तुम्हें गोल स्टेट तक बढ़ा रहा है, पहुंचा रहा है, राइट? जल्दी से। इसलिए अगर तुम्हारा ये अगला स्टेप है तो ये तुम्हारे करंट स्टेप से बेटर है, तो इसलिए तुम यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाओगे, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे और इस स्टेप के ऊपर पहुंच जाओगे। अब तुम इस स्टेप के ऊपर खड़े हो तो ये तुम्हारा करंट स्टेप हो गया, राइट? अब तुम्हारा अगला स्टेप ऐसा कौन सा स्टेप होगा जो तुम्हारे करंट स्टेप से बेटर होगा? ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है? इसीलिए तुम यहाँ से यहाँ पे जाओगे। अगर तुम पीछे गए तो तुम्हारा अगला स्टेप करंट स्टेप से बेटर नहीं होगा, वो कम होगा, वर्स्ट होगा। इसलिए तुम पीछे नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे एंड यही फॉर्मूले या यही फंक्शन को फॉलो करते 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 आप आगे बढ़ते जाओगे एंड फाइनली अपने गोल स्टेट तक पहुँच जाओगे, राइट? एंड यही होता है हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम। अब इस अल्गोरिदम के होते हैं कुछ लिमिटेशंस, टोटल 3 लिमिटेशंस होता है। फर्स्ट लिमिटेशन इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि ये लोकल मैक्सिमा है और ये ग्लोबल मैक्सिमा है और हमें ग्लोबल मैक्सिमा तक जाना है। अब अगर इसी फॉर्मूले को फॉलो करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, बट अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा एंड देन बाद में फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। बट इसमें तो नीचे जाना लिखा ही नहीं है क्योंकि अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो करंट स्टेप से बेटर नहीं होगा, राइट? अगर सपोज है 10 है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप 9 होगा जो कि हमारे करंट स्टेप से बेटर नहीं है, कम है। इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते और इसलिए हम इधर ही अटक के रह जाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब एक सर्टन हाइट के बाद एक प्लेन लाइक सरफेस होता है, ओके? अब अगर सपोज इसी फॉर्मूले या फंक्शन को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज जो तुम्हारा अगला स्टेप होना चाहिए वो तुम्हारे करंट स्टेप से बेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसका अगला स्टेप करंट स्टेप से बेटर होगा ही नहीं क्योंकि सारे के सारे स्टेप्स इक्वल है। अगर सपोज इस स्टेप का वैल्यू लेट्स से 8 है तो इस स्टेप का वैल्यू भी 8 ही होगा, तो सारे के सारे स्टेप्स इक्वली हो गए, तो उसको कहीं भी ये नहीं लगेगा अगला स्टेप लेते हुए कि अगला स्टेप करंट स्टेप से बेटर है। उसको ये लगेगा कि अगला स्टेप करंट स्टेप से इक्वल है, इसीलिए वो इधर ही अगेन अटक के रह जाएगा। थर्ड लिमिटेशन इज रिज। रिज में क्या होता है, रिज में गोल स्टेट तो ऊपर होता है बट हम गोल स्टेट तक एक सिंगल मूव में नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल अगर सपोज लेट्स से हम नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा गोल स्टेट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो अगर हमें हमारे गोल स्टेट तक पहुंचना है तो हमें हमारा मूव चेंज करना पड़ेगा या उसको टिल्ट करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते और इसीलिए हम वहां पे ही स्टक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशंस। ये जो लिमिटेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज फॉर लोकल मैक्सिमा एंड ये जो सॉल्यूशंस हैं ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, मतलब बेसिकली तुम कुछ कुछ सिचुएशंस में ये सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हो, ओके? नॉट कंपलसरी, हमेशा अप्लाई करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? सबसे पहला सॉल्यूशन इज फॉर लोकल मैक्सिमा। सॉल्यूशन सेज दैट कि बैक ट्रैक फ्यू नोड्स, मतलब कुछ नोड्स तुम बैक ट्रैक करो एंड एक दूसरा पाथ ट्राई करो, ठीक है? ये सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन इज फॉर प्लेट्यू एंड रिज। सॉल्यूशन सेज दैट कि एक बड़ा सा जंप लो एंड एक दूसरे एरिया से या एक नए एरिया से वापस रिस्टार्ट कर लो, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जंप करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सब हम एग्जाम में लिख सकते हैं। द आंसर इज येस। आपके पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, जो भी मैंने अभी तक बोला और आगे बोलूंगा, आपके
मतलब आपके दिमाग के हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हो, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो टीचर को वो पता चल जाता है और आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। या ऑप्शन नंबर टू, आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हो, नोट्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे, वैसे आंसर्स मिल जाएंगे जैसे आपके टीचर्स आपके पेपर में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप वो आंसर्स लिखोगे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और नोट्स कैसे परचेस करते हैं सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम इसके डिटेल्स के ऊपर जंप करते हैं या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जंप करते हैं। फर्स्ट इज लोकल सर्च एल्गोरिथम है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि ये लोकल मैक्सिमा तक ही पहुँच सकता है, ये ग्लोबल मैक्सिमा तक नहीं पहुँच सकता। और क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकल मैक्सिमा तक ही पहुँच सकता है, इसलिए ये एक लोकल सर्च एल्गोरिथम है। या अगर ये एक रीजन है, इसके और भी रीजंस है। अनदर रीजन इज देर इज अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, जिसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। देन देर इज इन्फॉर्म सर्च टेक्निक, जिसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड सो ऑन चीज़ें आती है। एंड देन देर इज लोकल सर्च अल्गोरिदम या लोकल सर्च टेक्निक, जिसमें हिल क्लाइंबिंग अल्गोरिदम आता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी इफिशियंट है ये, क्यों? क्योंकि जब ये आगे स्टेप करता है तब वो उसके प्रीवियस सारे के सारे स्टेप्स को अपने मेमोरी से निकाल देता है, उनको भूल जाता है। उसके मेमोरी में बस करंट स्टेप होता है कंपेयर करने के लिए एंड नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट्स इट। पिछले सारे के सारे स्टेप्स उसके मेमोरी में नहीं होते, मेमोरी से वो सारे के सारे स्टेप्स निकाल देता है और इसीलिए वो मेमोरी इफिशियंट होता है। थर्ड इज यूज्ड फॉर प्रॉब्लम विद मल्टीपल सॉल्यूशंस। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जिनके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।